दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के मामले में आम आदमी पार्टी सड़क पर है और इस बीच जयपुर में भी आम आदमी पार्टी के प्रदेश चुनाव प्रभारी विनय मिश्रा के नेतृत्व में पैदल मार्च निकाला गया। इस दौरान पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता टोंक रोड से बीजेपी मुख्यालय के लिए मार्च पर निकले, लेकिन पुलिस ने इन्हें स्टैच्यू सर्किल पर ही रोक दिया। जिस अदानी ने इस देश का करोड़ों पैसा डुबा दिया, LIC का पैसा डुबा दिया, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट साफ साफ कहती है कि इस देश के गरीब का पैसा जो LIC में पैसा लगता है वो उस गरीब का जो अपने बच्चों की शादी के लिए पैसे इकट्ठे कर रखता है, आज उसके खिलाफ एक नोटिस नहीं, उसके खिलाफ कोई जांच एजेंसी नहीं, कोई CBI नहीं, कोई ED नहीं, कोई IT नहीं, लेकिन एक शिक्षा मंत्री जिसने गरीब बच्चे को पढ़ाया, जिसने दिल्ली में अच्छे सरकारी स्कूल बनाए, जिसने सपना देखा कि हर व्यक्ति को अच्छा इलाज मिले, आज उसको जेल के पीछे डाल दिया।